नमस्कार प्यारे छात्रों, जैसा कि कल से हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत विशिष्ट प्रश्नों के प्रश्नोत्तरी सीरीज को चला रहे हैं, उसी के क्रम में आज हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों की अगली कड़ी में बात करते हैं। कल हमने आपको प्रश्न 30 तक चर्चा की थी, आज हम उससे दो प्रश्न पीछे से पुनरावृत्ति करते हुए प्रश्न संख्या 27 से प्रश्न संख्या 59 तक चलेंगे। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से कौन सी योग्यता विज्ञान के अध्यापक की सामान्य योग्यता है? ए, अभिव्यक्ति की शक्ति, बी, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, सी, वैज्ञानिक संस्कृति का ज्ञान, अथवा डी, प्रयोगशाला संचालन की योग्यता। उत्तर ए, अभिव्यक्ति की शक्ति। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से कौन सा विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों का प्रकार नहीं है? ए, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बी, भावात्मक उद्देश्य, सी, क्रियात्मक उद्देश्य, अथवा डी, मनोगत्यात्मक उद्देश्य। उत्तर सी, क्रियात्मक उद्देश्य। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा पद संप्रत्यय निर्माण की श्रृंखला का पद है? ऑप्शन ए, मूल्यांकन, बी, प्रत्यक्षीकरण, सी, प्रभावीकरण, अथवा डी, प्रत्याहार। यहां उत्तर होगा डी, प्रत्याहार। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बोध के अंतर्गत नहीं आता? ए, विचार, बी, अनुवाद, सी, उल्लेख, अथवा डी, व्याख्या। उत्तर ए, विचार। प्रश्न संख्या 31, जिस परीक्षण पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता उसे कहते हैं? ए, सहजता, बी, विभेदीकरण, सी, वैधता, अथवा डी, वस्तुनिष्ठता। यहां उत्तर डी होगा, वस्तुनिष्ठता। प्रश्न संख्या 32, किसी एक को एक ही समूह पर बार बार किए जाने पर अंकों में समानता का पाया जाना यह अर्थ है वैधता का, बी, वस्तुनिष्ठता का, सी, विभेदीकरण का, अथवा डी, विश्वसनीयता का। उत्तर डी, विश्वसनीयता का। प्रश्न संख्या 33, किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, यह कथन किसका है? ए, गैरेट का, बी, डीसी बाइनिंग का, सी, क्रोन बैंक का, अथवा डी, सिंपसन का। उत्तर सी, क्रोन बैंक का। प्रश्न संख्या 34, बालकों को वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण देती है? ए, योजना विधि, बी, व्याख्यान विधि, सी, प्रयोगशाला विधि, अथवा की डी, प्रयोग प्रदर्शन विधि। यहां उत्तर होगा सी, प्रयोगशाला विधि। अब हम लोग प्रश्न संख्या 35 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के एक दूसरे से संबंध को क्या कहते हैं? विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के एक दूसरे से क्रम को क्या कहते हैं? ए, ऐकिक सहसंबंध, बी, पारस्परिक सहसंबंध, सी, गुणांक सहसंबंध, अथवा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ए, उत्तर ए होगा, ऐकिक सहसंबंध। प्रश्न संख्या 36, पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनके द्वारा हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय में प्रवेश करते हैं, यह परिभाषा किसने दी? ए, किलपैट्रिक, बी, कनिंघम, सी, मुनरो, अथवा की डी, क्रो एंड क्रो ने। उत्तर होगा सी, मुनरो ने। प्रश्न संख्या 37, निम्न में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम का सिद्धांत नहीं है? ए, जीवन संबंधी होने का सिद्धांत, बी, उपयोगिता का सिद्धांत, सी, एकाधिकार का सिद्धांत, अथवा डी, विचार सहमति का सिद्धांत। यहां उत्तर सी सही है, एकाधिकार का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 38, निम्न में से कौन सा पद भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है? ए, अनुकूलन, बी, विचारना, सी,
व्यवस्था डी संश्लेषण। उत्तर डी सही है, संश्लेषण। प्रश्न संख्या 39, निम्न में से कौन सा विज्ञान शिक्षण का दृष्टिकोण नहीं है? ए स्वानुदेशन दृष्टिकोण, बी ऐतिहासिक दृष्टिकोण, सी एकाधिकार दृष्टिकोण, अथवा कि डी अन्वेषण दृष्टिकोण। यहाँ उत्तर ए सही होगा, स्व अनुदेशन दृष्टिकोण। प्रश्न संख्या 40, निम्न में से कौन सा पद मनोगत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ए एकाधिकार का, बी मूल्यांकन, सी रेखांकन, अथवा डी अनुकूलन। यहाँ उत्तर सी सही है, रेखांकन। प्रश्न संख्या 41, मूल्यांकन व्यक्ति अथवा समाज अथवा दोनों की दृष्टि से उत्तम है अथवा वांछनीय है, उनको मानकर चला जाता है, यह कथन किसका है? ए गैरेट, बी आइंस्टीन, सी रेमर्स, अथवा डी क्रोन बैंक। यह कथन रेमर्स का है, अर्थात यहाँ उत्तर सी सही होगा। अब हम लोग इसके आगे जब चलते हैं तो प्रश्न संख्या 42 आती है। प्रश्न संख्या 42, निम्न में से कौन सा गुण परीक्षक का गुण नहीं है? ए कलात्मकता का गुण, बी विभेदीकरण का गुण, सी सहजता का गुण, अथवा डी वैधता का गुण। तो उत्तर ए सही होगा, कलात्मकता का गुण। प्रश्न संख्या 43, निम्न में से कौन सा गुण निबंधात्मक परीक्षाओं का गुण नहीं है? ए मौलिकता का परीक्षण, बी निर्माण की दृष्टि से सुगमता, सी भावों का संगठन, अथवा डी लघु पाठ्यक्रम पर आधारित। उत्तर डी सही है, लघु पाठ्यक्रम पर आधारित। प्रश्न संख्या 44, जिन प्रोजेक्टर में अपारदर्शी चित्रों तथा पुस्तकों के पृष्ठों को दिखाया जाता है उसे कहते हैं? ए एपिस्कोप, बी टेलीस्कोप, सी बायोस्कोप, अथवा डी रेडियोस्कोप। यहाँ उत्तर ए सही है, एपिस्कोप। प्रश्न संख्या 45, अभिक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता कौन है? ए वुडबर्न, बी हेमर्टन, सी बी एफ स्किनर, अथवा डी डॉक्टर पील। तो यहाँ उत्तर सी सही है, बी एफ स्किनर। प्रश्न संख्या 46, उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? ए दो प्रकार के, बी तीन प्रकार के, सी चार प्रकार के, अथवा डी पांच प्रकार के। उत्तर ए सही है, दो प्रकार के। प्रश्न संख्या 47, निम्न में से कौन सा पद वैज्ञानिक विधि का पद नहीं है? ए समस्या का परिभाषीकरण, बी समस्या का अनुभव, सी सूचनाओं का एकत्रीकरण, अथवा डी उपकल्पनाओं का स्थिरीकरण। उत्तर डी सही है, उपकल्पनाओं का स्थिरीकरण। प्रश्न संख्या 48, लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज ए स्टेटमेंट ऑफ प्रपोजल चेंज, यह कथन किसका है? ए डीसी बाइनिंग का, बी ओकम एवं सिंपसन का, सी गैरेट का, अथवा डी आई के डेविस का। उत्तर डी सही है, आई के डेविस का। प्रश्न संख्या 49, शैक्षिक उद्देश्यों को निम्न में से किन वर्गों में विभाजित किया गया है? ए ज्ञानात्मक उद्देश्य, बी भावात्मक उद्देश्य, सी मनोगत्यात्मक उद्देश्य, अथवा डी उपर्युक्त तीनों वर्गों में। यहाँ उत्तर डी सही होगा, उपर्युक्त तीनों वर्गों में, उपर्युक्त तीनों वर्गों में। अब हम लोग प्रश्न संख्या 50 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्लाइड का प्रकार नहीं है? सेलोफोन स्लाइड, ए बी फोटोग्राफिक स्लाइड, सी एज्ड स्लाइड, अथवा डी स्टैंडर्ड स्लाइड। यहाँ उत्तर डी सही है, स्टैंडर्ड स्लाइड। प्रश्न संख्या 51, प्रोजेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? ए दो प्रकार के, बी पांच प्रकार के, सी चार प्रकार के, अथवा डी सात प्रकार के। उत्तर सी सही है, चार प्रकार के। प्रश्न संख्या 52, किस गुण के अभाव में किसी भी परीक्षा की विश्वसनीयता वैध नहीं हो सकती? ए वस्तुनिष्ठता, बी विभेदीकरण, सी विश्वसनीयता, अथवा डी अधिगम। उत्तर ए सही है, वस्तुनिष्ठता। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से दृश्य सामग्री का उदाहरण है? ए रेडियो, बी फिल्म, सी टेप रिकॉर्डर, अथवा डी प्रतिरूप। उत्तर डी सही है, प्रतिरूप। प्रश्न संख्या 54, टेलीविजन है दृश्य सामग्री, बी श्रव्य सामग्री, सी दृश्य श्रव्य सामग्री, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी सही है,
दृश्य श्रव्य सामग्री। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ परीक्षा का गुण नहीं है। ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी विभेदीकरण अथवा डी संश्लेषण। उत्तर डी सही है, संश्लेषण। प्रश्न संख्या 56, परीक्षा प्रश्नों का ऐसा समूह है जो किसी कौशल या योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है। मूल्यांकन के विषय में यह कथन किसका है? ए रेमर्स का, बी क्रोनबैंक का, सी ई बी वेस्ले का अथवा डी गैरेट का। उत्तर डी सही है, गैरेट का। प्रश्न संख्या 57, किसके आधार पर विद्यार्थियों की भावी उपलब्धियों के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है? ए निरीक्षण के आधार पर, बी परीक्षण के आधार पर, सी प्रदत्त ज्ञान के आधार पर अथवा डी मूल्यांकन के आधार पर। यहाँ उत्तर होगा डी, मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों के भावी उपलब्धियों के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। आशा एवं विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आएगा। कल कई बच्चों के कमेंट आए, सभी बच्चों ने बताया कि यह परीक्षा के लिए उनके लिए बहुत उपयोगी हो रहा है, उन्हें सीखने समझने तथा तार्किक रूप से याद करने में आसानी हो रही है। तो यह क्रम परीक्षा तक चलता रहेगा, निरंतर आपको एपिसोड मिलते रहेंगे, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम बना करके, प्रश्नों के माध्यम से, मुख्य बिंदुओं के माध्यम से, शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, इस तरीके से आपको विभिन्न प्रकार से परीक्षा की तैयारियां कराई जाती रहेंगी। और आज से हमने, कल बच्चों की ही मांग पर बच्चों ने कहा कि सर जैसे आप इसको हमें बताते हैं मौखिक रूप से, वैसे इसका प्रिंट सामने लगा दें तो देख करके भी हम दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यमों से सीखेंगे। तो आज से हम इसको दृश्य भी लगा रहे हैं, आप इसको देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और उससे आगे चलते हैं। हमें आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।